लगी हुई थी और ग्राही लोग इधर उधर जा रहे थे, टॉयलेट वगैरह भी जा रहे थे, पानी वानी पी रहे थे। इसमें एक ट्रक पीछे से आई रीवा साइड से, जिसमें कि उनका जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उनका टायर बर्स्ट हुआ, जिसके कारण वो अनबैलेंस हो गई, वो कोलाइड हुई, जिसके कारण की बस पलट गई। सभी खड़ी थी बस, स्टैटिक थी, वो पलट गई, जिसके कारण कुछ लोग दब गए, घायल हुए हैं लोग लगभग, जिसमें से कि करीब 10-15 लोग गंभीर भी रूप से घायल हैं। सभी घायल चाहे सामान्य रूप से हों या विशेष रूप से गंभीर रूप से, सभी को रेवा मेडिकल कॉलेज से कर दिया गया है। वहाँ सभी पहुँच भी चुके हैं और उपचार उनका प्रारंभ हो गया है। खतरे से भी बाहर की स्थिति बताई जा रही है, जो अभी अपडेट मिला है वहाँ से। और मृतकों की भी, मृतक हुए हैं हमारे कुछ 8 से 9 अभी मृतक का अनुमानित संख्या बताया जा रहा है, जो अभी अस्पताल जाएंगे और डॉक्टर साहब पुष्टि करेंगे, उसके बाद तब हम कन्फर्म संख्या एग्जैक्ट बता पाएंगे कितने की मृत्यु हुई। सर, घायल कौन कहां कहां भर्ती है, इसकी सूची कैसे जारी होगी? परिजन परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं। बिल्कुल, हम इसका सारे जो लोग एक ही जगह पे सभी घायल जो है रीवा मेडिकल कॉलेज, सबको हमने बाकायदा एम्बुलेंस से भेजा है और उनकी सूची अभी अति शीघ्र हमारे पास वहाँ पे तैयार कर ली गई है, जिसको कि हम देंगे और आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। भी विजिट की है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घटनास्थल का मुआयना किए थे कि दुर्घटना किस प्रकार से हुई, उसका जायजा लेने के लिए अभी जस्ट कुछ समय पहले यहाँ पे विजिट किए हैं और वो घायलों से का हालचाल लेने के लिए और उसमें देखने के लिए वो रीवा मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अगर कोई घायल को कोई भी विशिष्ट चिकित्सा की आवश्यकता होगी, रीवा के अतिरिक्त भी कहीं भी जाने की आवश्यकता होगी, तो उनकी चिकित्सा का पूरा दिया जाएगा। हमारे कुछ शासकीय कर्मचारी भी इसमें घायल हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, तो उनके लिए भी और अन्य जो सभी नागरिक हैं उनके लिए अगर रीवा में पर्याप्त है तो अच्छी बात है, अगर रीवा के अतिरिक्त कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी उनके जो एग्रीव्ड फैमिली हैं जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनके लिए हम अंतिम संस्कार की कल पूरी बकायदा व्यवस्था। सीधी जिले के गांव के कितने गांव के इसमें शामिल हैं? और एक मोहनिया करके, फड़पुरी करके है, और एक गांधी ग्राम है, बगैया है, दिग्विजय करके, और चोपरा दिग्विजय करके, ये 3 गांव के मुख्य लोग हैं इसमें। और बाकी अन्य जो भी प्रशासनिक सहायता व्यवस्थाएं करने के लिए उसमें हम लगे हुए हैं, उसकी भी घोषणा की है मुख्यमंत्री। ये माननीय मुख्यमंत्री जी संभावना है वो करेंगे घटनास्थल के बाद, वो जब घायलों से मिलेंगे और आगे करने के बाद करेंगे। सर, इसके अतिरिक्त हम रेड क्रॉस से भी सभी को छोड़िए, पकड़ लीजिए, छोड़िए ना।